मोस्ट पावरफुल फोन विद मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर, गेमिंग अल्ट्रा HD और अल्ट्रा एक्सट्रीम में। गेस करो इसका एंटीटू स्कोर कितना होगा? 6 लाख? ना ना, 7 लाख? 8 लाख? ना 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 ना, एंटीटू स्कोर इतना आया है, इतना आया है आपने सोची ना होगी। ये देखो 9,40,000, इतना ज्यादा स्कोर। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, इतना स्कोर है तो टेस्ट करना बनता यार। क्यों जनता, बात तो सही है। ये फोन है मोटोरोला Edge 30 Pro। सो इस फोन को लेके कई सारे सवाल है। फोन कैसा है, फोन की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये प्रो गेमर्स के लिए है, कैमरा कैसा है फोन का, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मजा आएगा आपको भी मुझे भी फोन को टेस्ट करने में। तो ये है इसका बॉक्स और हमने पहले ही खोल लिया है फोन के बॉक्स को टेस्टिंग के लिए। इसमें आपको 6.7 इंच की एक FHD+ OLED डिस्प्ले दी गई है, सो काफी बड़ा है इसका डिस्प्ले। और ये 10 बिट डिस्प्ले है, मतलब बिलियन कलर्स का सपोर्ट। वाओ, इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मुझे बहुत तगड़ा लगा। साइड बेजल्स ऊपर की साइड पे और नीचे चिन की साइड बेजल्स देखो, बहुत कम कर दिए हैं मोटोरोला ने। एक्चुअली में फोन का जो फ्रंट लुक है ना वो काफी बढ़िया लगता है, जिससे डेफिनेटली देखने में बड़ा मजा आएगा, मूवीज, वीडियोस, वेब सीरीज। तो डिस्प्ले की क्वालिटी ऑफकोर्स ओलेड है, तो कलर्स बहुत अच्छे डीप ब्लैक पंची मिलते हैं। नीचे से देखो, साइड से देखो, इस साइड से भी, ऊपर से भी, विंग एंगल कोई इशू नहीं है। ओ अश्नीर जी, अश्नीर जी मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? गजब बेइज्जती है। चौक से पार्ट, ये एक 10 बिट डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है एंड HDR10+ है। सो ये सेटिंग्स पे गया, यहाँ जाके डिस्प्ले सर्च किया, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, और यहाँ पर आपको ऑप्शन ऑटो 60 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज का ऑप्शन मिल जाता है। और ये देखो ये कितना स्मूथ है भाई साहब। ओ हो, डिस्प्ले मुझे फोन का सही में जबरदस्त लगा। इसका जो बैक है ये ग्लास बैक है, जो फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट है। गिराते हैं एक बार फोन को। ओ भाई साहब, कुछ नहीं हुआ। डुअल सिम स्लॉट है, नो एसडी कार्ड, टाइप सी पोर्ट है, स्टीरियो स्पीकर है। जो स्टीरियो स्पीकर है वो ट्यून बाय डॉल्बी एटमोस है और इसे फर्दर ऑप्टिमाइज किया गया है बाय स्नैपड्रैगन साउंड फीचर। साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है और ये फास्ट है, ऊपर नॉइस कैंसिलेशन भी है, 100% वॉल्यूम है। ये लो है, साउंड क्वालिटी बहुत लाउड है एंड क्लियर भी है। फोन का जो इनहैंड फील है बहुत सॉलिड है। फोन का जो वेट है वो 196 ग्राम है, ना आपको ये लाइट वेट फील होगा ना हैवी फील होगा। बाकी फोन की थिकनेस भी ठीक है। सर कैमरा मॉड्यूल काफी इंटरेस्टिंग है, ये देखो ट्रिपल कैमरा है, जो सबसे बड़ा वाला है कैमरा 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है OIS के साथ है। उससे ऊपर यानी कि छोटा वाला ये 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है प्लस मैक्रो, और ये सबसे छोटा वाला 2 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसर। एक और चीज, इसमें ना ऑल पिक्सल इंस्टेंट फोकस टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, और ये देखो ये फोकस कितनी जल्दी और कितनी एक्यूरेटली करता है। और जो फ्रंट में है ये 60 मेगापिक्सल का है और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला सेल्फी कैमरा है। आओ यारो कुछ ले लेते हैं फोन के कैमरे से फोटोज। तो सबसे पहले ना मैक्रो लेते हैं और ये जाते हैं, देखिए, और एक इसकी लेते हैं और ये देखो मैक्रो शॉट। ओ भाई साहब क्या डिटेल्स है, ये देखते हैं एंड लुक एट दिस। देखो डिटेल्स बहुत अच्छी है, कलर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस किए हैं। एक क्लिक, सो ये आउटडोर में ली है, जूम करते हैं, स्किन टोन एकदम से नेचुरल रखा है, नो ब्यूटिफिकेशन, छोटी छोटी डिटेल्स है। एंड ये है इंडोर फोटो एंड यस डिटेल्स है भाई साहब फोटो में, हल्का सा यहाँ पे इसे सॉफ्ट कर दिया है, बाकी कलर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस किए हैं। एंड एक और ये फोटो है आउटडोर में रियर कैमरे से, और देखो भाई साहब डिटेल्स तो बहुत अच्छी है, भर भर के है, एंड स्किन टोन भी बहुत अच्छा मैनेज किया है, एंड ओवरऑल फोटो देखने में यस नेचुरल लुक दे रहा है। स्किन टोन आपको हल्का सा सैचुरेटेड दिखेगा बट ओवरऑल देखने में फोटो काफी बढ़िया लग रहा है, एंड बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है वो भी बढ़िया है। बाकी डायनेमिक रेंज जबरदस्त है, कैमरे पे जाते हो, वीडियो पे जाते हो, यहाँ पर आप 8K, 4K और FHD तक रिकॉर्ड कर सकते हो, और FHD में 60 FPS का सपोर्ट है। बाकी ये सेटिंग्स पे वीडियो पे क्लिक करते हैं, EIS का सपोर्ट है एंड OIS भी है, और हाँ HDR10+ वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी है, जो बेसिकली अलाउ करता है बिलियन कलर्स को रिकॉर्ड करने में। ओवरऑल जो फोन का कैमरा है, रियर हो या फिर फ्रंट हो, तो फोटोज निकल के आते हैं काफी बढ़िया निकल के आते हैं। और भी कई सारे सैंपल लिए हैं इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, मैं आपको दिखा देता हूं एंड साइड बाय साइड में आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूं। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है, जो एक 4nm वाला प्रोसेसर है, तो सुपर पावर एफिशिएंट। सबसे शॉकिंग चीज, इसका जो एंटीटू है वो 9,40,000 निकल के आया है। यस, मैं भी ऐसे शॉक्ड हुआ था क्योंकि ये छोटा मोटा स्कोर नहीं है, बहुत ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स इसमें मैंने CPU थ्रॉटल टेस्ट भी किया और जो परसेंटेज निकल के आया 71% निकल के आया है। यस, CPU थ्रॉटल करता है बट अगर इसे हम कंपेयर करते हैं चाइनीज वेरिएंट से तो उससे ये बेटर ऑप्टिमाइज किया है यहाँ पर मोटोरोला ने। अच्छी बात यह है कि गेमिंग करते वक्त जो फोन है वो हीट या फिर थ्रॉटल नहीं करता,
चलो करते हैं। अरे पेरो गेमिंग स्मूथ बैलेंस एचडी एचडीआर अल्ट्रा एचडी, यस अल्ट्रा एचडी का ऑप्शन है। एचडीआर में एक्सट्रीम पे गेमिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 चिप में आपको स्नैपड्रैगन एलाइट गेमिंग फीचर मिलता है, जो बेसिकली हेल्प करता है आपको मैक्सिमाइज गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए। इस पे मजा आएगा भाई साहब। और ये देखो भाई साहब, ग्राफ सुपर स्मूथ। थोड़ा खेलते हैं। अबे सबको लपेट दूंगा मैं एक साथ, आ जाओ। अरे जानते कौन है हम भाई साहब। ग्राफिक तो बहुत स्मूथ है और अभी तक कोई ऐसा फ्रेम लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप नहीं मिल रहा। तो मक्खन है, स्मूथ है गेम प्ले। देखो पीरो गेमर्स को बड़ा मजा आने वाला है इसमें। अरे सबको लपेट दूंगा मैं, ये देखो। अरे सबको लपेट दूंगा, जानते हो कौन है हम। पीरो गेमर है, पीरो गेमर। अरे मेरे मुंह से निकल गए। निकल गई क्या बताऊं भैया। भागो 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 भागो। हमसे लड़ोगे? अरे ओ भाई साहब, ओ तेरी, ओ तू कुछ दिखा नहीं दे रहा। चीटिंग करता है तू। देखो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, स्मूथ, एक्सट्रीम, इनफैक्ट अल्ट्रा एक्सट्रीम पे जबरदस्त। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है। स्टोरेज टाइप UFS 3.1 है और जो रैम है वो LPDDR5 है, यानी कि लेटेस्ट रैम है। इशू नहीं है मल्टीटास्किंग में, एकदम स्मूथ है। 4800 mAh की बैटरी है और 68 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, जो अराउंड 35 या फिर कह लो 36-37 मिनट के आसपास फोन को फुल चार्ज कर देता है। एंड इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी है, एक दिन का बैटरी बैकअप आपको इजीली दे देगा। इसकी जो प्राइस है विद बैंक ऑफर वो 44,999 रुपीज है, यानी 45,000 रुपीज। एक फ्लैगशिप प्राइस है, लेकिन फ्लैगशिप फीचर्स भी है इस फोन में, इस बात में कोई शक नहीं है। और अगर आप इसे दूसरे फ्लैगशिप ब्रांड जैसे कि सैमसंग या फिर आईकू के रिसेंटली लॉन्च हुए फोन से देखते हो, तो उनके मुकाबले मोटो S30 प्रो में आपको 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। 50 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, बिग बैटरी मिल जाती है विद 68 वॉट का चार्जर और 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। फोन में NFC है, Wi-Fi 6 है, डुअल 5G का सपोर्ट है। इसमें 13 5G बैंड, 3 कैरियर एग्रीगेशन एंड 4x4 मीमो का सपोर्ट है फॉर बेस्ट कनेक्टिविटी। इन सभी चीजों से हटके जिसके लिए मोटोरोला जाना जाता है, ऑफ कोर्स स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, क्लीन UI है। और हम सेटिंग्स पे जाते हैं, अबाउट पे गए, नीचे आते हैं, एंड्रॉइड 12 वर्जन आपको दे रखा है। एना मोटोरोला ने ये भी कहा है कि इसमें आपको अशर्ड OS अपग्रेड मिलेगा एंड्रॉइड 13 और 14 का, प्लस 3 इयर्स की आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेगा। सो ओवरऑल क्या लगता है इस फोन को लेके? देखो जितना भी फोन को टेस्ट किया है, यूज किया है, फोन है तो तगड़ा। डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, बड़ा है, कलर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, कैमरा वो भी बढ़िया है, चाहे फ्रंट हो या फिर रियर हो। एंड सबसे बड़ी बात, परफॉर्मेंस टॉप लेवल की है। जो गेमिंग एक्सपीरियंस मैंने इस फोन में फील किया वो बहुत तगड़ा है। सो सिंपल है, अगर आपको एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए, गेमिंग करना है, मोटोरोला की ब्रांडिंग विद स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस करना चाहते हो, डेफिनेटली आप ये मोटोरोला का H30 प्रो फोन चेकआउट कर सकते हो। कैसा लगा ये फोन कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।